कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक मित्र ने अपने यहाँ आमंत्रित किया और यह मेरे लिए बहुत अच्छा समय रहा। दोस्तों, अक्सर हम पेटूपन या अधिक भोजन खाने वालों की चर्चा करते हैं लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लेते। मेरे मित्र के यहाँ बहुत से घोड़े पले हुए हैं और अचानक एक घोड़े की तबीयत कुछ खराब हो गई तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त बहुत परेशान हो गया और तुरंत उस घोड़े को दौड़ाने लगा। मैंने उससे अचंभे से पूछा कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तो उसने बताया कि जब एक घोड़ा बहुत अधिक अनाज या घास खाता है तो उसके अंदर गैस का निर्माण हो सकता है जो बहुत दर्दनाक होता है। वे सुस्त हो जाते हैं और बस जमीन पर लेट जाते हैं। यह वास्तव में घातक हो सकता है। ऐसे समय में घोड़े के मालिक का काम बस घोड़े को चलाना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि उसे पर्याप्त व्यायाम मिले। इसकी उपेक्षा करने पर वास्तव में घोड़े को जीवन की कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है जहां बहुत से लोग आत्मिक रूप से अधिक खाने से बीमार हैं, क्योंकि वे आत्मिक रूप से सुस्त हैं। सभी सभाओं में जाते हैं, सभी शिक्षाओं और संगति को अपने अंदर भर लेते हैं, सभी मतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन इन सभी वर्षों में जो कुछ वे सीख रहे हैं उसके साथ उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है। वे ज्यादा खाने से प्रभावित हैं और कम व्यायाम कर रहे हैं। वास्तव में वे अपने विश्वास का अधिक आनंद नहीं ले रहे होते हैं। आज के लिए हमारे वचन आमोस 6:1 में परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात करता है जो अपने आरामदेह चरागाह में बसे हुए हैं। परमेश्वर कहते हैं, सियोन के तुम लोगों में से कुछ का जीवन बहुत आराम का है। सामरिया पर्वत के कुछ लोग अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं, किंतु तुम पर अनेक विपत्तियां आएंगी। हमारे लिए सियोन और सामरिया पर्वत जो कुछ भी है, हमारा सुरक्षित छोटा आत्मिक घोंसला है, हमारा चर्च, हमारी सेवकाई, हमारी मसीहत। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि यदि आप उसके हैं और आप सुस्त और आत्मसंतुष्ट हैं तो आप संकट में हैं।